नमस्कार, मैं हूं रीनू कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। आगरा में कमिश्नर रितु महेश्वरी ने जिला मुख्यालय कार्यालय का निरीक्षण किया है। कमिश्नर रितु महेश्वरी ने कार्यालय में रखी फाइलों को चेक किया है, जहां वसूली विभाग में रखरखाव को लेकर कमिश्नर रितु महेश्वरी नाराज दिखी, जिसे लेकर रिकॉर्ड रूम में मौजूद अधिकारियों से बारीकी से पूछताछ की गई और कमियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान वहां जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी भी मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं मीडिया से बातचीत में रितु महेश्वरी ने क्या कुछ कहा है। आज जनपद आगरा में कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया गया है और इसमें आज जनपद आगरा में कलेक्ट्रेट का इंस्पेक्शन किया गया है। विभिन्न पटलों की और विभिन्न जो न्यायालय हैं, वसूली है और संदर्भों का निस्तारण है, रिकॉर्ड रूम्स है, तो यही सब चीज़ें देखी जा रही हैं। कार्यालय में जन शिकायतों का निस्तारण उचित तरीके से हो, क्योंकि कलेक्ट्रेट से एक ऐसे कार्यालय हैं जहां पब्लिक का बहुत आना जाना रहता है और मैक्सिमम जो राजस्व से संबंधित कार्य हैं उसके लिए लोग यहां या फिर तहसीलों में जाते हैं। पारदर्शिता से काम हो, लोगों का समय से निस्तारण हो और जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो सही तरीके से हो, उसी उद्देश्य से ये निरीक्षण किया गया है। अभी निरीक्षण चल रहा है, जो भी कमियां पाई जा रही हैं संबंधित को डायरेक्शन दिए जा रहे हैं कि वो उसका अनुपालन। वैसे कोई बड़ी कमी मतलब जिसके लिए आपने खास तौर पे कहा हो? अभी तो चल ही रहा है, क्योंकि इंस्पेक्शन मेनली थोड़ा कार्य अभी वसूली पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो एक्चुअल पोर्टल पे डिमांड दिख रही है और जो रजिस्टर्स में डिमांड है उसमें काफी गैप है, तो उसमें अभी भी काम जिस तरह से होना चाहिए था उसमें काम नहीं हुआ है। वसूली का जो मतलब रख रखाव है रिकॉर्ड्स का, और क्योंकि अमीन भी बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन जो प्रगति वसूली में होनी चाहिए और जो उसकी रिकॉर्ड कीपिंग है वो उस तरीके से सही तरीके से नहीं हो रही है। बाकी थोड़ा बहुत वीडिंग में भी कमियां हैं, वीडिंग शुरू कराई है उसमें भी अभी और समय लगेगा, उसके लिए भी 2 महीने का समय दिया गया है, तो इस तरह की कमियां कुछ पाई गई हैं। बाकी जो इंस्पेक्शन में आएगा वो लोगों को डायरेक्शन देगा। ठीक है, थैंक यू। हेलो, थोड़े